हाय, पिछले कुछ वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में और हमारे यूनानी की ताल्लुक से कुछ यूनानी की फिलॉसफी और यूनानी की कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट को वजाहत करने की कोशिश की और उसको कोरिलेट करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कुछ चीज़ उससे आप लोग को फ़ायदा आया होगा, ख़ासतौर से जो डॉक्टर्स, जो BMS डॉक्टर जय हिकमत करते हैं, उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। अभी हम ये कोशिश करेंगे कि इंसान की जो मॉडर्न मेडिसिन की या हमारे फिजियोलॉजी के हिसाब से हमने कुछ तकसीम किया गया बॉडी को एक एक सिस्टम वाइज, तो हम ये कोशिश करेंगे एक एक सिस्टम के जो गैर तबे हालात हैं, एक सिस्टम अगर कोई बीमार पड़े उसको कैसे यूनानी में मैनेज करें। बहुत सारे सिस्टम है जैसे GIT है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, CVS है, स्किन है, तो आज हम बात करेंगे GIT के ताल्लुक से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बीमारी के ताल्लुक से। अगर हम कोई सिस्टम को कायदे से हमारी नजरिया यानी कि हमारी कैफियत के हिसाब से अगर मैनेज करना अगर सीखे, मैं समझता हूं हर एक हकीम एक एक सिस्टम की एक बेहतरीन माहिर बन सकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते, कोई भी डिजीज अगर हमारे मैदे के ताल्लुक से या हमारे हजम के ताल्लुक से कोई भी बीमारी आ गई तो हमने जो पढ़ा उसमें अनपढ़ या पढ़े लिखे हकीम भी और अनपढ़ हकीम एक जैसा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मैदे में कोई मसला आ गया तो डायरेक्ट लिख के दे देते माजून मुकव्वी मैदा या अब्बे मुकव्वी मैदा, या नहीं इसमें कोई डायग्नोसिस है या इसमें कोई एक कंसेप्ट का कोई क्लैरिटी नहीं, यानी कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो या मैदे का कोई भी कंप्लेंट रह दे, अगर उसको तबखीरा मैदा रहने दो, उसको अल्सर रहने दो, उसका बदहजमी रहने दो, उसकी कॉन्स्टिपेशन रहने दो, उसका तुखमा रहने दो, कोई भी हालत में माजून मुकव्विया लिख के देते या अब्बे मुकव्विया मैदा लिख के देते। ये सबसे बड़ी खराबी यानी सबसे बड़ी खोताई, सबसे बड़ी यानी कि हमारे सिस्टम बदनाम होने का सबसे बड़ा मेन चीज ये है। ये मुकव्विया मैदा क्या, एक इस्तिलाही माना क्या उसका, एक इस्तिलाही माना मैदे को ताकत देता है, ये एक आम लफ्ज है, लेकिन उसके पीछे वो जो तकवियत के पीछे एक अनसीन न दिखने वाली कैफियत काम करते है वो क्या है, वो न आपको मालूम, न दवा क्या इस्तेमाल कर उसको, उसके ऊपर भी आपको नहीं मालूम। तो भले मैदा हो, कल्ब की प्रॉब्लम हो या किडनी का प्रॉब्लम, किसी का भी प्रॉब्लम रहे, प्रॉब्लम के पीछे कैफियत रहेगी, उस कैफियत को सीखना है। हमने क्या करे, हमने दुनिया के दस्तूर के हिसाब से चलना शुरू कर दिया। दुनिया के दस्तूर क्या है, हर चीज को क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, यानी तूल अर्स अमक यानी कि उसकी मिकदार, उसकी रेशियो वो दुनिया के सामने पेश करते, वो दुनिया का साइंस है, वो हमारी साइंस क्वालिटेटिव साइंस है, कोई चीज की जो कैफियत उसकी खूबी वो है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को तबखीरे मैदे की शिकायत हो रही है यानी मैदा हार हो गए, लेकिन हकीम साहब को नहीं मालूम उसकी मैदा हार है, उसके इतना वाले मरीज आके बताया कि डॉक्टर साहब मुझे पेट में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कुछ आजम बराबर खाना हजम नहीं हो रहा, भूख हमने जरा जवारिश का मुनी या माजिन मौका मैदा या बेहलती या कुछ दवा लिख के दे दी। बाद में एक मरीज है, डॉक्टर साहब मुझे अल्सर की शिकायत है, मुझे अल्सर की शिकायत है ये मैदे में, चलो उसकी मैदा कमजोर हो गया, उसको भी हमने लिख के दे रहे माजून मुकव्वी मैदा। भले ये दोनों दो कैफियत की बीमारी है, या कोई आ रहा तुखमे मैदा यानी कि तुखमे की हालत बरूदत मैदा, उसको भी जो दवा लिख के दे रहे उसको भी ये नहीं मालूम तुखमे की कैफियत क्या है, पेशेंट आकर सब खाना खाया थे, सब पड़ा रहते, वो हजम नहीं होते, पाचन क्रिया नहीं हो रहे, पानी भी पिया तो हेवी फील होते, उसको भी वही दवा लिख के दे रहे माजून मुकव्विया दे जवारिश का मुनी, उससे पहले जो अल्सर वाला है तो उसको भी माजून मुकव्विया मैदा सब लिख के दे रहे, उससे पहले जो दुआया उसको सबको एक ही दवा, और हम ये कहते हैं कि हम कैफियत के लोग हैं, हम कैफियत के मायर लोग हैं। तो यहां कैफियत अगर देखेंगे तो उससे क्या होता है कि उसको हम परफेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करें, दो कैफियत है, एक हरारत और एक बरूद, हॉट एंड कोल्ड, दुनिया में अल्लाह ने जो जोजेन बनाया दो कैफियत,
तो जाहिर सी बात है दो कैफियत ही तो आपकी जीएटी के ऊपर भी असरअंदाज होता है। जीएटी से मुराद फ्रॉम माउथ टू एनस, जो भी मसला उसको दो में कन्वर्ट करो, दो में क्लासीफाई करो, यानी कि ये जीएटी का मसला बरूदत से है क्या, ये जीएटी का मसला हरारत से। अब ये दो मसला आपको समझ में आया तो आपको ट्रीटमेंट भी इजी आएंगे। अगर पेशेंट को हमको समझ में आया पेशेंट की मसला हरारत से, तो उसको इलाज भी जिद के से बारी दवा की जरूरत है। अगर इसका मसला बरूदत से तो उसको हर दवा चाहिए। अब आप देखो जितने भी मैं प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हमने पढ़ के रखी है, जो मैदे से ताल्लुक या जीएटी से ताल्लुक, उसमें ज्यादातर हम जो इस्तेमाल भी करते हैं, ज्यादातर मार्केट में 75% दवा भी गर्म है। मिसाल के तौर पे अब्बे अल्तीत, अब्बे तिंकार या कुर्से तिंकार, कुर्स पुदीना, जवारिश कमोनी, जवारिश जंजबील, जवारिश जालिनूस, माजिन मुकव्वे मैदा, अब्बे कबित नौशादरी, ये सब चीज अक्सर हम मैदे में इस्तेमाल करते हैं। जवारिश बसबसा, जवारिश दारचीनी जिसको बसबस, जो जितने भी ज्यादातर दवा आप देखेंगे मैदे में इस्तेमाल करते हैं, जितने भी नमकियात है, नमक सुलेमान, सब गर्म दवा है। ये ऐसा क्यों? ये ऐसा है जब आप वो इस्तेमाल करते हैं फौरन आपको रिजल्ट मिलता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, तो पेशेंट भी खुश, दवा हकीम भी खुश। जैसे आपने एक हल्तीत खा लिया, तो हल्तीत खाने से आप 10-15-20 मिनट के अंदर आपका पेट एकदम हल्का हो गया। पुदीना खाए तो कभी सोच के देखो इधर हो क्या रहा? ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है, एलोपैथी की मेथड है, ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। पेशेंट ने क्या तकलीफ, गैस बढ़ा, आपने गैस को दवा दिया, ये हमारा तरीका नहीं है। हमारे तरीके है तौलीद रिया, यानी कि रिया की तौलीद को रोकना है। रिया को निकालने के लिए कासरे रिया लिख के दे देते, कासरे रिया लिखने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को बोलने का सुबह शाम एक सोडा पियो या पेप्सी पियो या सेवन अप पियो, क्योंकि कोको कोला पेप्सी सेवन अप कंपनी को ये नहीं मालूम, ये मालूम था दुनिया में आगे जाके सबसे बड़ा फास्ट फूड ब्रोस्ट वगैरह खा के, ये सब खा के सबकी मैदा खराब होने वाले वक्ती तौर पे, उसकी गैस को फेंकने के लिए वो खाना खाता है पेप्सी पीता है, खाना खाता है पेप्सी पीता है, क्यों? निकलता डकार उसको अच्छा लगता है, वो दवा नहीं है, वो कासरे रिया है। मजीद आपकी मैदे के अंदर गैस को प्रोड्यूस करके जो पिछले गैस को बाहर निकलता आपको वक्ती तौर पर अच्छा लगता है। जैसे अपने भाई डकार लाने तो हम लोग क्या करते, पहले गैस ले लेते अंदर, एरोफेज है, थोड़ा सा गैस लीच खींच लेते सर, फिर हम लोग डकार ले लेते, डकार बना के लेते। तो इससे साबित ये होता है कि वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ है, वो यूनानी का तरीका नहीं। यूनानी का तरीका है, वो कुछ जगह पर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ का भी मदद लेता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को गैस से तड़प रहे, गैस अटैक आके डायफ्राम के नीचे गैस से उसको सांस नहीं मिल रहा, अब हम बोलेंगे बाबा हम तौलीद को रोकेंगे, हम ठंडा, तब आपको क्या तब वक्ती तौर पे आपको गैस को बाहर फेंकने वाली कासरे रिया की जरूरत पड़ती है। तब ने आप पैलती दिया, कुर्से पुदीना दिया, या अर्क्या जी पिलाया, या सब्जम पिलाया, या अर्क्या जीरा, अर्क्या अजवाइन, सब गर्म है, सब गर्म दवा है कि इसको डकार से ऊपर नीचे हवा यानी रिया को खारिज करके आराम दे दिए। ये अमराज़े शिरकी जो भी हम उनको बोला, अमराज़े असली नहीं था, अमराज़े शिरकी, अमराज़े असली उसकी हरारत मैदा है, बाद में उसको इलाज करना है। हम क्या करते, इसको मुकम्मल इलाज समझते, सिर्फ कासरे रिया देने, इससे क्या होते प्रॉब्लम क्या होते, डॉक्टर पेशेंट आके क्या, डॉक्टर साहब आपकी दवा तो बहुत ही काफी अच्छा आराम हुआ, लेकिन जिस दिन मैं दवा बंद करता हूँ वापस मुझे प्रॉब्लम आ, यानी कि आपने हेलो मीटिंग, तो उससे क्या होते है वक्ती तौर पे उसको आराम मिलता है। तो पेशेंट बोलता ऐसा, हम एलोपैथी की तरफ भी जाते हैं तो वो भी वक्ती तौर पे कोई भी टैबलेट देता है, तो आप भी आपके और उनमें क्या फर्क है, हमारे पास वो आते कि उसको मुकम्मल आराम की जरूरत है। इसीलिए एक काम करो, पहले जीएटी की जो मसले को दो में क्लासीफाई करो, उसके बाद में ही दवा लिखो। हार इशू से क्या बारिद इशू से कम इतना हमारे पास, हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया और उस लिहाज से क्या दवा देना है, ज्यादा सीखने की जरूरत है, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ आपको दो लेके चलना है।
मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो गया, शेयर का नंबर वन जीएटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, यूनानी की गैस्ट्रो एंडोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा पेट जो डॉक्टर लोग का या हकीम लोग का पेट भरता है पेट के थ्रू, पेट की बीमारी से, एक बॉक्स है, मनी बॉक्स बोल सकते हैं इसको। तो जितने भी आप देखे क्लासिफाई करो, इसके लिए हम लोग क्या सीखना पड़ेंगे, सबसे पहले हमारे तरीका है उसकी जो साख्त है जीएटी का उसके ऊपर ध्यान देखो, जीएटी की मिजाज क्या, गर्म तर है, और जीएटी को मदद करने वाले जो भी एक्सेसरी ऑर्गन जैसे जिगर है वो भी गर्म है, तो इससे एक साफ जाहिर होता है गर्म आजा में ज्यादातर गर्मी जल्दी मुतासिर होता है, प्रॉब्लम होता है। तो आप देखो कितनी उसकी हम लोग की जो सोच और हमारी जो थॉट के हिसाब से सोच के, तो गर्म मैदा जल्दी मुतासिर होते गर्मी से या गर्म अशिया से, यानी कि उनको चाहिए तो सबसे ज्यादा ठंडा दवा, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा गर्म दवा मौजूद है। तो मैदे की जो जाती मिजाज है वो गर्म तर है, और मैदे का भी जिगर का भी और कल्प का भी जो फाइल मिजाज है हार है, इसीलिए जो भी ठंडक पैदा करने वाली जो भी चीज तीनों में फायदा करता है, मिसाल के तौर पर आंवला सर्द है, वो दूसरी पार्ट मत सोचो खुश्के के, ये खाली सर दे आंवला, इससे आंवला मैदे के लिए भी अच्छा है, मैदे आंवला जिगर के लिए भी अच्छा है, आंवला कल्प के लिए भी अच्छा है, वो कभी कल्प ही। तो सबसे पहले डिसाइड करो मैदा मुतासिर हुआ गर्मी से या कि सर्दी से। तो मैं समझता हूं 60-70% मैदे की प्रॉब्लम ज्यादातर गर्मी से, बस इतना याद रहो, वेदर इट इज एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो, अल्सर हो, गैस हो, बेपिंग हो, सब इद्दत है मैदा, मैदे की गर्मी की वजह से। तो हमको ट्रीटमेंट क्या चाहिए, बारीक दवा चाहिए। तो बारीक दवा का एक लिस्ट बना के रखो मैदे के लिए, कैसी लिस्ट बनाएंगे, एक शरबत बना के दिमाग में रखो जिसका मिजाज बारीक हो, एक जवारिश का मिजाज रखो, एक जमाजुम का रखो, एक सफूफ रखो, एक अर्क रखो, एक टैबलेट रखो या कुर्स रखो, बस काफी है बारीक दवा का चार पांच मिसाल इसमें इस्तेमाल करने के। मिसाल के तौर पर अगर मैदा गर्मी की वजह से मुतासर हुआ है, मशरूब आमला ठंडा है काम करेगा, माजून देबी दिलवर ठंडा सा देबी दिलवर दे, जवारिश अनारंग या जवारिश हरमस या जवारिश आमला सादा ठंडा है, सफूफ किसमी सी, मैदे को ठंडा करने वाली कॉम्बिनेशन दो, वो नहीं कि आपने सुबह जवारिश दिया बहुत सारे जवारिश, क्योंकि मैदे की कंप्लेन ने हमने पढ़ा मैदे के लिए खास बनाया गया जवारिश, इसे सुबह शाम जवारिश देने की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ मशरूम आमला एक सफूफे किसमी से भी मैदा ठंडा हो जाएंगे और वो तबखीर कैफियत, यानी तबखीर का मतलब दुखान गैस प्रोड्यूस करने वाली एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, तमाम एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर ज्यादातर अमराज हार में, दुनिया के हिसाब से तुम बहुत सारे गिन सकते हैं, आप बहुत सारे गिन सकते हैं, लेकिन यूनानी इतिबार सिर्फ एक बीमारी हो अमराज़े बरूदा है हरारा है, उसको तस्कीन का अमल दो यानी कि तबरीद का अमल करो ताकि वो मुकम्मल आराम हो जाए। इसी को अगर इसके साथ साथ वक्ती तौर पे पेशेंट बड़े डॉक्टर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप एक दो दिन के लिए कुर्से अलकली या कुर्से अलकली नब्बे अलतीत कुर्स पुदीना अरके अजवाइन अरके जीरा दे सकते, लेकिन पेशेंट को बोलना ये आपकी वक्ती प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लेकिन आपकी मैनेजमेंट आई नीड एटलीस्ट वन और टू मंथ चाहिए आपको मुकम्मल आराम देने के लिए। कभी कभी इसका एकदम उल्टा भी आता है, बरूदते मैदे की वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं, यानी डॉक्टर साहब मैदे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग क्या करते डायरेक्ट मैदे के लिए दवा लिख, पहले सोचो इसकी मैदा बरूदत से हरारत से मुतासर हुआ, अगर उसकी मैदे अगर सवाल पूछने डॉक्टर डकार भी नहीं आ रहा है, ऊपर से नीचे कोई हवा नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पड़ा रहता है मुंह में पानी जैसे रुतुबत लुआब रहते हैं, कुछ हजम का मसला ही नहीं, न पेट फूल रहा, खाली खाली हेवी हो रहा है, तो वो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जीएटी। हिस्ट्री टेकिंग से समझ में आती है इसकी मैदे के अंदर बरूदत हद से ज्यादा बढ़ चुकी, जबकि मैदे का मिजाज गर्म होना चाहिए, गर्म हमेशा यानी कि कुव्वत हाजिमा को मजबूत करने, थोड़ा ज्यादा भी नहीं गर्मी चाहिए, इसे गर्म जितने भी चीज है गर्म मसाला गर्म अशिया मैदे को थोड़ा मदद करते, लेकिन ओवर भी नहीं होना चाहिए। यह भी कि मैदा ठंडा हो गया तो मैदे को हमको गर्म गर्मी पहुंचाना, उसकी कुदरती गर्मी देना है, तो आप उठा के देखो ज्यादातर आप मैदे में जो दवा इस्तेमाल करते ज्यादातर गर्म दवा है,
लेकिन मसला गर्म की वजह से नहीं, मसला गर्मी की वजह से अगर है तो उसको ठंडा दवा चाहिए था। लेकिन मैदा अगर खराब हो गया उसकी बरूदत मैदा की वजह से बारिश मिजाज, तो गर्म दवा चाहिए। क्या क्या गर्म दवा? मिसाल के तौर पर जवारिश कमुनी, जवारिश जंजबील, जवारिश बस जो भी गर्म जवारिश। माजून में माजून फलासफा भी है, कोई भी माजून उठा के गर्म होना चाहिए। माजून फलासफा बेस्ट है आजमा को बढ़ाने, ये दूर कर। माजून सुहागा सोने बहुत सारे जवारिश में मैंने बताया, जवारिश कमुनी, जवारिश जंजबील, सब गर्म जवारिश माजून में, ये गर्म माजून। टैबलेट में ज्यादातर मैदे की टैबलेट गर्म ही है, अबेल तीत गर्म है, कुर्स पुदीना या अबे पुदीना गर्म है, जितने भी नमके जालनीस वगैरह जो नमकियात से जो बनते हैं सब गर्म है, कुर्साल के लिए सब गर्म। ये आपको सिम्टोमेटिक जीपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू आर ए कंसल्टेंट लाइक जीएटी का कंसल्टेंट, इसमें इस्तेमाल मत करो। कर रहा तो भी पेशेंट को बोलो देखो दे चार पांच दिन खाना, बाद में इसको बंद करके सिर्फ उसी से मैनेज मत करो, सिम्टोमेटिक रिलीफ मत दो। फिर जितने भी अर्कियात उठा के देखो, जितने भी अर्कियात बहुत ठंडा है गर्म है, जैसे अर्के जीरा गर्म है, अर्के ज्वाइन गर्म है, अर्के बादिया गर्म है, ये हम अक्सर पीते पेट की खमखमड़े, जितने अपने अर्के अजीब है वो भी गर्म है, तो डकार आते हैं, आराम हो जाते वक्ती तौर पर, लेकिन वो भी सिम्टोमेटिक है। जितने भी नम सफूफात है, जितने भी अजरा जैसे अभ्य अजरा की भी मैदे के लिए ताकत देता है। किसको? जैसे नक्स ओमिका जो अक्सर देखते हैं, तो नक्स होम्योपैथी वाले जीएटी में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अक्सर न्यूरो में इस्तेमाल करते हैं। तो जो उसका मैदा ठंडा है इसलिए उसका हजम नहीं आ रहा, उसका अक्सर क्या करो, अभ्य अजरा की उठा के लिख के वो अजरा की मैदे को गर्म करेंगे या उसको नॉर्मल गर्मी की तरफ लेके आएंगे। बहुत सारे टैबलेट आप अभ्य तिंकार है वो भी गर्म है, जो भी गर्म मिजाज रखने वाली कोई भी चीज हो वो आप ठंडे में। अगर इस लिहाज से अगर आप मैदे को मैनेज करेंगे तो मोर देन 60-70% बीमारी उसमें आ जाते। बच्चा जैसे भी कार्डिया सीए ऑफ स्टोमक या सीए ऑफ कॉलोन पाइल्स और लीवर से कनेक्टेड डिजीज, इसको भी हम इलाज अगर करना है तो पहले पेशेंट की चीफ कंप्लेन के ऊपर ध्यान दो, और वो चीफ कंप्लेन का मिजाज के ऊपर ध्यान दो, और वो किस बीमारी से ताल्लुक रखता है, उस बीमारी की ताल्लुक किस आजा से है, और उस आजा की मिजाज क्या, तब हम क्या हो सकते परफेक्ट ट्रीटमेंट दे सकते। मिसाल के तौर पर किसी को अगर मेरे पास एक पेशेंट है एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का एक पेशेंट है, तो मैं क्या लिखता पहले उसको, मुझे मालूम है इसकी मैदा गर्म है, और उसको माजून देवी दुलर्थ मॉर्निंग में दे दिया, या माजून उष्बा, उष्बा हम लोग क्या करते हैं अक्सर स्किन में देते हैं, मैं सबसे ज्यादा उसको मैदे में देता है, माजून उष्बा 10 ग्राम दिया। रात में मैंने क्या किया कि उसको मैदे में अगर उसको थोड़ा सा मैदा गर्म है तो मुझे गर्म एक त्रिफल भी चाहिए, उसको मोशन भी मिलना चाहिए, तो मैंने त्रिफल किसनी सी ला रात में दिया, उसको गर्म भी नहीं है ठंडा है किसनी सी मैदे को। अच्छा अब एक रात में कितरीफल हो गया, माजून एक सुबह हो गया, बस माजून टाइप के खत्म कर दिया। फिर मैंने एक शरबत लिखते, शरबत दीनार ठंडा है, शरबत दीनार या शरबत आमला या शरबत आलू बुखारा या काइनिल सिरप, दो चम्मच सुबह से वो भी सिरप भी हो गया। अब एक सफूफ किसनी सी एक पाउडर भी हो गया वह सुबह एक शाम। टैबलेट की अगर जरूरत है तो टैबलेट उसके साथ में कुर्सी अल्कल या कोई भी एक चीज उसके अंदर ऐड कर दो। अर्कियात भी दे सकते हैं, अर्कुष्बा दे सकते हैं, ठंडा अर्कियात दे सकते हैं। ज्यादा दवा मत दो, पेशेंट खाएगा नहीं, खाली 3-4 दवा काफी है मुकम्मल मैनेज के लिए, लेकिन मुकम्मल मैनेज तब होगा तुम उसके ताल्लुक से उसकी कैफियत क्या तुमको जानना जरूरी। अगर कोई मैदा ठंडक की वजह से खराब, तुम क्या लिखेंगे उसका भी, अभ्य तिंकार लिख दिया या अभ्य अजराकी लिख दिया, चलो अजराक या कुछ पुदीना दे दिया या अब कभी नौशादरी दिया, फिर एक जवारिश कमुनी दिया रात में, और सुबह दूसरा कोई गर्म माजून टाइप की दे दिया, माजून फलासफा ऐसा कुछ एक शरबत दे दिया। तो इसके लिए आपको जितना बीमारी के ताल्लुक से जानकारी रखता है बीमारी की मिजाज, वैसे हर दवा के भी
मिजाज जानना जरूरी है। हम सिर्फ मिजाज क्या जाने, मुफरद दावा की मुफरदत में, मुआलियात ने हमको कोई टीचर ने हमको सिखाया भी नहीं, हमने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुआलिजात में हम लोग होते क्या मिजाज हो सकते हैं, वो उसमें जुजे आजम जो आते हैं वो उसकी मिजाज ऐसा नहीं है। कभी जुजे आजम बड़ा रहेंगे लेकिन उसके अंदर कोई दवा उसकी कुव्वत के हिसाब से ज्यादा अगर तेज है तो उसका भी मिजाज आएंगे। तो हमको पूरा देखना पड़ेगा उसकी मिकदार क्या है, उसकी जुजे आजम के हिसाब से उसकी क्या हिसाब से परफेक्टली अपन निकाल सकते हैं एक एक दवा की। इंशाल्लाह एक कोशिश कर रहे हैं कि अरमस कंपनी हमारी जो कंपनी है मुरक्कब दवा की जो कैलकुलेशन करके बाकायदा उसका मिजाज निकाल रहे, ताकि आप लोग को मतब में कभी मिस्टेक ना करे, ब्लंडर मिस्टेक। तो जीएटी के लिए ये याद रखो, पहले मिजाज की यानी कि क्या कैफियत की बीमारी है उसको पहले इवेल्यूएट करने के बाद में ही दवा लिखना स्टार्ट करो। अगर इस तरीका अगर आप इख्तियार करेंगे आपको वन ऑफ द बेस्ट जीएटी इन द शहर की सबसे बेस्ट गैस स्टोव एंड स्टोव मिल सकता है ऐसे यूनानी के तौर पर। थैंक यू।